हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर्स। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स पैड लॉक्स, जो जनरल पर्पस पैड लॉक्स है, जो हम ऑफिस में यूज़ करते हैं, घर में यूज़ करते हैं, प्लांट में यूज़ करते हैं, हमारे इक्विपमेंट में यूज़ करते हैं, इसका बारे में और इसका स्पेसिफिकेशन से और कंप्लीट डिटेल्स बता देंगे फ्रेंड्स। जैसे फ्रेंड्स हम पैड लॉक यूज़ करते हैं ऑफिस में, घर में, नॉर्मल पैड लॉक है। इसका पार्ट्स है फ्रेंड्स, जैसे ये है हमारा सैकल बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको जो लॉक का इस पार्ट को जो ऊपर नीचे आते हैं उसको सैकल बोलते हैं फ्रेंड्स, और इसको बॉडी ऑफ केस बोलते हैं फ्रेंड्स इसका, और ये हमारा की है फ्रेंड्स, ये आपको पता ही है। और जो हमारा IS स्टैंडर्ड्स है फ्रेंड्स पैडलॉक्स के लिए, ये IS 275 है। पैडलॉक्स लिवर टाइप के लिए हैंडमेड है, वो हम आगे बता देंगे होता क्या है। और 1018 फ्रेंड्स पैडलॉक्स ब्रास रिवर टाइप मिशन मेड है, और 4230 फ्रेंड्स रिवर तंबरल टाइप है, और 4231 है लॉक्स बिल्डर टाइप है, और 12197 फ्रेंड्स पिन टंबरल टाइप है फ्रेंड्स। लेकिन 2003 में फ्रेंड्स ये सारे स्टैंडर्ड्स को मर्ज कर दिया था और सिंगल स्टैंडर्ड बना दिया था IS 15275 2003 है फ्रेंड्स। इसी स्टैंडर्ड में अभी ये सारे के सारे पैडलॉक्स का डिटेल्स मिल रहे हैं फ्रेंड्स, और आगे हम इन डिटेल डिस्कस कर देंगे फ्रेंड्स। जैसा टाइप्स ऑफ पैडलॉक है फ्रेंड्स, जो डिफरेंट टाइप्स का पैडलॉक्स रहते हैं फ्रेंड्स, हम देख लेंगे। पहले क्लोज साइकिल पैडलॉक है फ्रेंड्स, जिसका जो साइकिल मैं आपको बताया था वो बहुत कम दिखते हैं या क्लोज होकर दिखते हैं, उसको क्लोज साइकिल पैडलॉक बोलते हैं फ्रेंड्स। और जो चेन पैडलॉक है फ्रेंड्स, ये नॉन रिमूवेबल लॉक है फ्रेंड्स। जैसे बाकी लॉक में क्या होते हैं, ये लॉक को हम रिमूव कर सकते हैं, इसमें क्या होते हैं फ्रेंड्स, एक गेट का साथ है, चेन को वेल्ड कर देते हैं फ्रेंड्स। जिस जगह पैड लॉक को, मतलब ये लॉक को निकालना ही नहीं है या स्टील हो जाता है, चोरी हो सकते हैं, उस जगह ऐसे पैड लॉक्स को यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। इसमें ये चेन है, पैड लॉक का साथ भी वेल्ड हो जाते हैं और इसके गेट का साथ दूसरे एंड भी वेल्ड हो जाते हैं, सो दैट ये पैड लॉक निकलते ही नहीं है फ्रेंड्स, ये फिक्स्ड पैड लॉक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट पैड लॉक है फ्रेंड्स एक्सटेंडेड साइकिल पैड लॉक है फ्रेंड्स, जिसका साइकिल लेंथ है नॉर्मल से ज़्यादा रहते हैं, इसको एक्सटेंडेड साइकिल पैड लॉक बोलते हैं फ्रेंड्स। और बेस्ड ऑन इसका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है, हमको तीन प्रकार का पैड लॉक्स रहते हैं। पहले वाला है डिस्क टंबरल पैड लॉक है, नेक्स्ट है लिवर पैड लॉक, नेक्स्ट है पिन टंबरल पैड लॉक है फ्रेंड्स। अभी हम डिस्कस करेंगे डिस्क टंबरल पैड लॉक है फ्रेंड्स। जैसे पैड लॉक है, कोई भी पैड लॉक है फ्रेंड्स, इसका जो बेसिक इसका पैरामीटर है फ्रेंड्स वो साइज है फ्रेंड्स। इसका पैड लॉक का इसका डायमीटर बोल सकते हैं या इसका लेंथ बोल सकते हैं, बेस्ड ऑन शेप ऑफ पैड लॉक है, इसको साइज बोलते हैं फ्रेंड्स। ये साइज बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसका डिस्क टंबरल पैड लॉक है फ्रेंड्स, इसका एक शेप ऐसे दिखाया है फ्रेंड्स इसमें, और ये इसका साइकिल है जो ऊपर नीचे होते हैं, अंदर अंदर बाहर जाते हैं, उसको साइकिल है। और इसका जो अंदर जो लॉकिंग मैकेनिज्म है फ्रेंड्स, ये प्लग है, ये जैसा हमको घर में दिखते हैं डिस्क टंबरल है, ये लॉक है, इसमें जाते हैं और इसको मूव करते हैं फ्रेंड्स डिस्क को, ठीक है फ्रेंड्स। ये साइकिल को होल्ड करने के लिए स्प्रिंग रहते हैं फ्रेंड्स, जो साइकिल ऊपर नीचे होते हैं स्प्रिंग की वजह से। और इसका लॉक और की से अरेंजमेंट है फ्रेंड्स, जो की है पहले सिंगल बिटेड की है फ्रेंड्स, इसका एक ही तरफ से बिट है जैसे ये दिख रहे हैं, और एक ही तरफ बिट है इसका क्रॉस व्यू है, और जिसका फ्रेंड्स दोनों तरफ के बिट से और रिवर्सिबल बिट है, मतलब ये की को आप आगे से भी यूज़ कर सकते हैं या पीछे से भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स, मतलब आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका जो ग्रूव है वी टाइप का ग्रूव है बीच में दिया था, इसमें दोनों तरफ से आगे भी है और इसका पीछे भी है ग्रूव है, इसीलिए वो रिवर्सिबल है, डबल इसको डबल बिटेड है, क्योंकि बिट है इसका इस साइड भी है और इस साइड भी, इसीलिए इसको डबल बिट बोलते हैं, और ग्रूव दोनों साइड है वी टाइप का, इसीलिए ये रिवर्सिबल है। और तीसरी तरफ है फ्रेंड्स डबल बिटेड है लेकिन नॉन रिवर्सिबल है, क्योंकि इसका ग्रूव है ओनली आगे की तरफ है, पीछे की तरफ है, यहाँ दिखा रहा था पीछे की तरफ कोई ग्रूव नहीं है, क्यों, इसको एक ही डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं, इसको उल्टा करने से ये लॉक खुलेगा नहीं है फ्रेंड्स। सो ये तीन प्रकार का कीस भी होते हैं फ्रेंड्स। और नेक्स्ट लॉक है फ्रेंड्स हमारा लिवर पैड लॉक है फ्रेंड्स,
जो लेबर पैराडॉक्स भी ये तीन अलग अलग शेप का हो सकते हैं, सर्कुलर, स्क्वेयर और ये फ्रेंड्स किसी में भी इसका साइज आप देख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है ये साइज। ये साइज को आपको मेंशन करना पड़ता है लॉक खरीदने के लिए, खरीदने के पहले ये साइज आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। ये अगर तीन तरफ का इसका केस या इसका बॉडी है फ्रेंड्स, इसका दिखाया था, और इसका जो की है फ्रेंड्स वो जैसा ये फ्लैट की है, ये फ्लैट की है और सिंगल बिटेड है, बिट एक ही तरफ से है, और ये फ्लैट की है डबल बिटेड है, दोनों तरफ से बिट है फ्रेंड्स। और दूसरी तरफ का की है फ्रेंड्स राउंड की है, राउंड है और सिंगल बिटेड है, और राउंड की है डबल बिटेड है फ्रेंड्स, दोनों तरफ से बिट है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट पैडलॉक के फ्रेंड्स पिन टम्बरर पैडलॉक के फ्रेंड्स, जो आप देखता होगा इसको, जो हमारा लोटो लॉक्स में वो सब में यूज़ कर सकते हैं, नीचे की तरफ दिखते हैं, इसमें भी सेम है फ्रेंड्स। जो हमारा ये हमारा बॉडी है, इसका लॉक का बॉडी है और ये साइकिल है, साइकिल ऊपर नीचे होते हैं स्प्रिंग का वजह से, और ये इसका पिन्स का पोजीशन से ये साइकिल ओपन या क्लोज मतलब ऊपर नीचे होते हैं फ्रेंड्स। और इसमें भी सेम है फ्रेंड्स, साइज है, ये इसका साइज है लॉक का, और ये अलग अलग तरफ का मतलब इसका केस और इसका साइकिल का हिसाब से ये चारों तरफ का पैडलॉक हो सकते हैं। ये नॉर्मल साइकिल है फ्रेंड्स, इसका साइकिल का साइज है, लेंथ है नॉर्मल साइज है, और ये एक्सटेंडेड साइकिल है, इसका साइकिल लेंथ बड़ा है इसीलिए इसको एक्सटेंडेड साइकिल बोलते हैं, और ये क्लोज्ड साइकिल है, जो साइकिल हमको बहुत कम दिखते हैं, ज़्यादा अंदर की तरफ है इसीलिए क्लोज्ड साइकिल है, और ये क्लोज्ड साइकिल है, क्लोज्ड सेट है फ्रेंड्स, वो अलग तरफ का क्लोज्ड साइकिल है। ये चार तरफ का हमको पिन टम्बलर में दिखते हैं, और पिन टम्बलर में इसका की है फ्रेंड्स विद इंडेंट है, जैसे पहले इसमें ये इंडेंट है फ्रेंड्स, होल्स है, ठीक है फ्रेंड्स, इसी से ही इसका पिन टम्बलर में ये इसी से ही ऑपरेट होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा पैडलॉक में जो एक्सेप्टेंस टेस्ट है, जो इसका आई स्टैंडर्ड में दिया था, वो क्या क्या टेस्ट है वो देख लेंगे फ्रेंड्स। एक्चुअली ये तीन तरफ का टेस्ट रहता है फ्रेंड्स पैडलॉक में। पहले चीज़ है नॉन इंटरचेंजबिलिटी टेस्ट है फ्रेंड्स, इसमें क्या करते हैं वो अलग अलग सेट का लॉक है, मतलब ये जिसका जिस लॉक का की वो है ही नहीं है उसके साथ ट्राई करते हैं फ्रेंड्स, उसमें वो खुलना नहीं चाहिए लॉक, सो तभी ये टेस्ट पास है, मतलब दूसरी की से वो लॉक को ट्राई करते हैं फ्रेंड्स, इसमें नहीं खुलेगा तो ये टेस्ट पास है फ्रेंड्स। और दूसरा टेस्ट है फ्रेंड्स इसका साउंडनेस टेस्ट है फ्रेंड्स, जो बेसिकली ये लॉक को क्या करते हैं फ्रेंड्स 600 mm डिस्टेंस में ये लॉक को पीछे की तरफ से मारते हैं, उस टाइम पे मतलब 5 times ऐसा देते हैं, इसका शॉक देते हैं ब्लोस, तब ये लॉक खुलना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, इसको सॉरी सेल नॉट ओपन है, ये खुलना नहीं चाहिए ये लॉक, पीछे से ये शॉर्प ब्लोस 5 times देने के बाद भी ये लॉक खुलना नहीं चाहिए, तब ये साउंड टेस्ट में ये लॉक पर्टिकुलर लॉक पास होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट टेस्ट है फ्रेंड्स लोड टेस्ट है, ये टेंसाइल लोड का विथस्टैंड टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, ये बेसिकली ये लोड टेस्ट है फ्रेंड्स, ये अलग अलग एक्चुअली आईएएस में मेंशन किया था, ये लॉक का साइज है, इस लॉक साइज में इसका मिनिमम साइकिल डायमीटर कितना होना चाहिए, मतलब ये मिनिमम होना चाहिए, इसका ऊपर भी आप मतलब मंगवा सकते हैं, जैसे 25 mm में आपको चाहिए तो 10 mm का लॉन्ग साइकिल भी आप ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम तो 4 mm तो देना ही देने हैं, और उसमें ये कितना टेंसाइल लोड ये लेते हैं ये आईएएस में दिया गया है फ्रेंड्स, इसके हिसाब से ये लेना ये टेस्ट भी करते हैं, ये पास होते हैं नहीं होते देखते हैं फ्रेंड्स ये, और ये हर टेस्ट में फ्रेंड्स ये लॉट में कितना सैंपल्स लेना है वो ये भी क्लियरली स्टैंडर्ड में मेंशन किया फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल आपने 50 lot मतलब फॉर एग्जांपल 50 एक लॉट में या 50 लोटो पैडलॉक्स मतलब पैडलॉक्स आप खरीद रहे हैं तो उसका डाइमेंशंस और वर्कमैनशिप ये सब चेक करने के लिए आपको वो 50 में 8 samples लेना पड़ते हैं, और 8 में कुछ भी फेल नहीं होना चाहिए, हमारा 0 की 0 फेल होना चाहिए तभी ये पास है। और ये लोड टेस्ट और साउंड टेस्ट फ्रेंड्स इस 8 samples जो सेलेक्ट किया था, इसका डायमेंशंस और वर्कमैनशिप फिनिश चेक किया था, उस 8 में से तो 2 sample निकालते हैं, और उसका ये लोड टेस्ट और साउंड टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स,
उसमें कुछ भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। ऐसा है, ये क्वांटिटी जो लॉट का साइज का क्वांटिटी के हिसाब से ये बता गया था कितना सैंपल्स लेना चाहिए और कितना पास मिनिमम होना चाहिए या कितना फेल हो सकते हैं और इसमें सब सैंपल में कितना इसका लेना चाहिए, ये सारे की सारे इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड में क्लियरली पता गया है फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड में ये भी बता गया था, एक पांच अलग अलग ग्रेड्स डिफाइन किया था फ्रेंड्स। हर एक जो आपको बताया था तीन टाइप का जो लो पैडलॉक्स है, पहले DPT है, हमारा डिस्क टम्बरल पैडलॉक है, LP इज लेवर पैडलॉक और PTP स्पिन टम्बरल पैडलॉक, और उसमें ग्रेड वन में ये DPT है तो उसमें मिनिमम चार लेवर्स या टम्बरल्स होना चाहिए। ऐसे ही ग्रेड फाइव में ये मिनिमम सिक्स होना चाहिए। जैसे ग्रेड बढ़ जाता है फ्रेंड्स, इसका कॉस्ट बढ़ जाता है, इसका मैकेनिज्म कॉस्टली हो जाता है क्योंकि इसका लेवर्स का साइज़ बढ़ जाते हैं, और जैसे ग्रेड बढ़ जाता है तो इसका साइज़ भी बढ़ जाता है, मतलब अच्छे है फ्रेंड्स, इसका कॉस्ट बढ़ जाता है। ये क्लियरली मेंशन किया फ्रेंड्स स्टैंडर्ड में क्या होना चाहिए, क्या ग्रेड होना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो पैडलॉक हमने मंगवाते या नया पैडलॉक आप देखेगा तो उसमें ये सारे मार्किंग जरूरी होना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड में भी ये क्लियरली बता दिया था। उसका मैन्युफैक्चर नेम है जो कौन सी कंपनी का है, इसका ट्रेडमार्क है या इसका इनिशियल्स, कुछ तो कुछ इसका मैन्युफैक्चर का डिटेल्स मेंशन होना चाहिए, और इसका ईयर ऑफ सप्लाई अगर जो हम खरीद रहे हैं इसका रिक्वायरमेंट का बेसिस में, मतलब मैंडेटरी नहीं है, चाहिए तो बता सकते हैं। और दूसरा है ये नंबर ऑफ रिवर्स है या ग्रेड है, इसका जो बता दिया था जो ग्रेड 1 to 5 है वो मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये पैडलॉक का साइज मेंशन होना चाहिए ज़रूर, और ये पैडलॉक का सीरियल नंबर मेंशन होना चाहिए। जैसा लॉट आया था फॉर एग्जाम्पल 15,000 का लॉट आया था, इसका सीरियल नंबर कुछ तो कुछ मेंशन होना चाहिए, वही सीरियल नंबर इसका की में भी मेंशन होना चाहिए सो दैट हमको कंफ्यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसका BIS सर्टिफिकेशन मार्क जो CE सर्टिफिकेशन मार्क है वो ज़रूर होना चाहिए पैडलॉक के। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर पैडलॉक आप खरीदना है तो या इसका स्पेसिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, ये इस स्लाइड में फ्रेंड्स, ये पैडलॉक ऑलरेडी बताया गया था टाइप ऑफ पैडलॉक है, ये डिस्क या पिन टम्बरल पैडलॉक है या लेवर पैडलॉक है वो डिसाइड करना चाहिए, और साइकिल है क्लोज्ड है नॉर्मल है एक्सटेंडेड साइकिल है ऑलरेडी बताया गया था वो डिफाइन करना चाहिए, वो बता देना चाहिए वेंडर को, और टाइप ऑफ की सिंगल है डबल बिटेड है रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल जो ऑलरेडी बताया गया था हमने वो क्लियरली मेंशन करना चाहिए फ्रेंड्स। और जो टाइप ऑफ केस है सॉलिड मतलब सिंगल पीस है या फॉर्म्ड पीस है वो भी मेंशन करना चाहिए फ्रेंड्स। और जो की जो बनता है वो की का मटेरियल है, ये तीन तरफ के मटेरियल हो सकते हैं, स्टील सीट हो सकते हैं या ब्रास सीट हो सकते हैं या स्टेनलेस स्टील सीट हो सकते हैं मटेरियल, वो मटेरियल कौन सी है की का, और मटेरियल बॉडी और केस का, बॉडी या केस का भी मटेरियल उसी का है मेंशन करना चाहिए क्या मटेरियल चाहिए हमको। और जो नॉमिनल साइज ऑफ पैडलॉक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पैडलॉक का साइज़ है ये जितना ज़्यादा है तो उतना बड़ा लॉक होते हैं, वो साइज़ भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और जो ग्रेड ऑफ पैडलॉक है ये इनडायरेक्टली हमको बताते हैं कितना लेवर्स होना चाहिए लेवर पैडलॉक में, और डिस्कम्बर पैडलॉक में कितना डिस्क होना चाहिए पिंस होना चाहिए वो बताते हैं फ्रेंड्स। ये ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5 एज पर IS 1575 पे जो बता गया था पहले, इसके बेसिस में ग्रेड भी क्लियरली मेंशन करना चाहिए हमको, और साइकिल डायमीटर भी मेंशन करना चाहिए फ्रेंड्स हमको। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो एक्सेप्टेंस टेस्ट इसका रिपोर्ट चाहिए तो हमको ये तीनों रिपोर्ट का डिटेल भी मतलब क्या क्या टेस्ट चाहिए आपको एज पर IS आपको मेंशन करना चाहिए, और मार्किंग भी जो स्पेसिफाइड मार्किंग है वो भी आपको क्लियरली बता देना चाहिए। और जैसा आप लॉट लेते हैं उसमें मास्टर की चाहिए मतलब सारे लॉक से एक ही की से खुलना चाहिए या इंडिविजुअल की से खुलना चाहिए वो भी आपको क्लियरली मेंशन करना चाहिए फ्रेंड्स। जैसा बहुत सारे रिक्वायरमेंट में हमको प्लांट इंडस्ट्रीज में आपको मास्टर की का रिक्वायरमेंट ज़रूरत पड़ते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल की मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। जैसा कोई गुड़ान या स्टोर्स में इसमें हमारा 50,000 का लॉक्स भी हो सकते हैं, उसमें इंडिविजुअल की से मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, इसीलिए मास्टर की का रिक्वायरमेंट भी बताना पड़ते हैं।
और इसका वारंटी पीरियड है फ्रेंड्स। वारंटी पीरियड है तो वारंटी पीरियड भी बताना पड़ता है फ्रेंड्स, 1 ईयर 2 ईयर जो आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बताना पड़ता है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स हमारा पैडलॉक्स के बारे में सारे डिटेल्स और